हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल हैबिट लर्निंग में। तो दोस्तों, ये नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 7 है। आज हम दोस्तों डिजिट से संबंधित सारे प्रश्न आसानी से करेंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा, ऐसे कोई अगर आपसे पूछ दे 1 से लेकर 1032 तक में टोटल कितने अंक का प्रयोग हुआ है, तो आप तुरंत बताने में असहज महसूस करेंगे। लेकिन जब आप ये वीडियो पूरी तरह देख लेते हैं, तो आप इस तरह के सवाल आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों कैसे, चलिए वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल हमने लिखा है कि 1 से लेकर 67 तक में कितने अंक का प्रयोग हुआ, यानी कि डिजिट का। तो आप देखेंगे दोस्तों, 1 से लेकर 9 तक में दोस्तों कितना नंबर हुआ, दोस्तों 9 नंबर हुआ। आप दोस्त बता सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर है सब एक एक अंक का है। कितना अंक का दोस्तों? 1 अंक का। तो सबको अगर एक डिजिट, डी मतलब हुआ दोस्तों डिजिट माने अंक, तो टोटल 9 नंबर है और सब में एक एक डिजिट है, माने यानी कि एक एक अंक है, तो टोटल दोस्तों 9 डिजिट बन गया। फिर दोस्तों, अगर हम 10 से लेकर, दोस्तों हमको पूछा है 67 तक, तो 67 तक लिखेंगे तो कितना नंबर होगा दोस्तों? 67 में से 9 घटाएंगे दोस्तों, 54 नंबर हो गया। दोस्तों जब 10 से लेकर 67 तक जाएंगे, सब में देखिए दो दो अंक है, 1 2, फिर 11 में भी 2 अंक होगा, 12 में भी, तो इसलिए इसको दोस्तों हम 2 डिजिट माने यानी कि 2 अंक से मल्टीप्लाई करेंगे। 54 गुना दोस्तों 108 होगा। दोस्तों इसको जब आप ऐड करेंगे तो 117 डिजिट का दोस्तों इसमें क्या हुआ है दोस्तों? प्रयोग हुआ है। जैसे दोस्तों दूसरा सवाल हमने लिया है कि 1 से लेकर 99 तक में टोटल कितने अंक का प्रयोग हुआ है, तो दोस्तों लिखेंगे कि 1 से लेकर दोस्तों 9 तक में हमने देखा था 9 नंबर था और सब में एक एक अंक का प्रयोग था, इसलिए हमने 1 डिजिट से मल्टीप्लाई किया और टोटल हमने 9 डिजिट प्राप्त कर लिया था। फिर हमने दोस्तों 10 से लेकर आप कहाँ तक जाएंगे दोस्तों? 99 तक। कहाँ तक? 99 तक। तो आप पाएंगे 99 में से 9 जब हम घटाएंगे तो दोस्तों आ जाएगा 90 नंबर। और दोस्तों आप पाएंगे 10 के बाद जितने भी अंक हैं सब में दो दो डिजिट का प्रयोग हुआ, इसलिए हम 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 गुना दोस्तों 180 हो गया दोस्तों। और जब इसको ऐड करेंगे तो 189 डिजिट दोस्तों हमने प्राप्त कर लिया है। तो इसको दोस्तों आप यहाँ पर इधर लिख लेंगे, 1 से लेकर 99 तक में 189 डिजिट का प्रयोग हो गया है। दोस्तों तीसरा सवाल हम लेना चाहेंगे, 1 से लेकर 123 तक में कितने अंक का प्रयोग हुआ है? दोस्तों फिर लिखेंगे कि 1 से 99 तक का, तो दोस्तों हम लोग निकाल चुके हैं कि दोस्तों 99 नंबर था, टोटल उसको 2 से हम मल्टीप्लाई किए थे, तो हमने पाया था कितना दोस्तों? 189 डिजिट का हमने प्रयोग कर चुका है। फिर दोस्तों अब हम 99 के बाद जब हम 100 से लेकर कहा दोस्तों 123 तक जाना है, तो 123 में से जब 99 दोस्तों हम घटा लेंगे तो दोस्तों आप पाएंगे कि 24 डिजिट 24 नंबर बच चुका है, 24 नंबर। अब जब 100 के बाद देखिएगा 101 में 101, 102 में 102, इस तरह सब में दोस्तों 3 3 अंक का प्रयोग हुआ है, यानी कि 3 डिजिट का प्रयोग हुआ है। 24 किया दोस्तों 72 डिजिट का प्रयोग हो गया है। 9 2 11 8 7 15 16 8 1 1 2, तो दोस्तों 261 डिजिट का प्रयोग हमने कर चुका है। फिर दोस्तों हम तीसरा सवाल लेना चाहेंगे, अगर मान लिया दोस्तों पूछ जाएगा 187 हो दोस्तों, तो आप आसानी से अब इसका भी निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये आपसे अगर कोई पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 689 तक में कितना हुआ है, तो दोस्तों हम एक बता देते हैं कि 1 से लेकर 99 तो 99 नंबर इंटू 2 0 = 189, तो ठीक है। लेकिन जब 100 से आगे गए कहाँ दोस्तों? 689 तक। तो आप दोस्त बता, 689 में से जब इसको 99 को दोस्तों जब आप घटाएंगे तो पाएंगे कि 590 हुआ दोस्तों नंबर। लेकिन सब में दोस्तों जब 100 के बाद क्रॉस करते हैं सब में 3 3 डिजिट का प्रयोग होता है, तो जब इसको आप दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि 1770 डिजिट का टोटल दोस्तों प्रयोग हुआ है। जब इसको आप दोस्तों ऐड कीजिएगा तो 1959 डिजिट का टोटल दोस्तों प्रयोग होगा। इस तरह दोस्तों हम यहाँ पर टोटल 1999 यानी कि 999 तक में दोस्तों कितना हुआ है, इसको भी दोस्तों हम आसानी से निकाल लेंगे।
फिर दोस्तों कहाँ तक निकालेंगे, 999 तक में। 999 इसमें से इसको जब दोस्तों माइनस कीजिएगा तो 900 दोस्तों आएगा, 900 नंबर। सब में दोस्तों तीन डिजिट का प्रयोग हुआ है तो आप पाएंगे कि 900 2700 डिजिट इधर हो गया दोस्तों। जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो 9 8 27 28 दोस्तों 2889 डिजिट का दोस्तों प्रयोग है। इसको भी दोस्त यहाँ पर नोट कर लेंगे, 1 से लेकर 999 तक दोस्तों 2889 डिजिट का प्रयोग हुआ दोस्तों। अब हम अगला सवाल लेकर आते हैं दोस्तों। ये अगर कोई आपसे पूछ दे कि 1 से लेकर 2835 तक में कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है, तो आप इस तरह के सवाल को आप आसानी से सॉल्व करेंगे दोस्तों। कैसे, 1 से लेकर 99 तक में दोस्तों 999 नंबर था, टोटल हम तीन डिजिट से मल्टीप्लाई किए थे और हमने आसानी से निकाल लिया था 280 इतना दोस्तों को डिजिट हुआ था। जब हम दोस्तों 1000 से आगे चले थे और हमको 2800 दोस्तों 35 तक दोस्तों हमको पूछा था, जब इसको हम दोस्तों घटाएंगे तो आप पाएंगे कि 1836 नंबर दोस्तों हमने निकाला है दोस्तों। इसके बाद आप गौर करेंगे कि 1000 में 1 2 3 4 चार अंक का प्रयोग हुआ, तो इसको दोस्तों हम चार डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको दोस्तों आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे कि 7344 डिजिट का प्रयोग हुआ है। और इसको आप दोस्तों जब ऐड करेंगे तो 10 233 दोस्तों निकाल पाएंगे। इस तरह हम दोस्तों अगर यहाँ पर अगर पूछ दे आपको कि 9999, इसको आप दोस्तों सॉल्व कीजिएगा तो आप पाइएगा, देखिए दोस्तों 1000 से स्टार्ट कीजिए, देखिए 9999, इसको इसमें से घटाइएगा दोस्तों कितना पड़ेगा, 9000। सबको चार डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 चौका दोस्तों 36000 दोस्तों पूरे का। इसको जब आप ऐड कीजिएगा 9 8 8 8 3 दोस्तों 1 से लेकर 9999 तक में दोस्तों 3889 डिजिट का दोस्तों प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे दोस्तों कोई पूछेगा 1 से लेकर 9 तक में तो 9 डिजिट का दोस्तों प्रयोग होगा, 1 से लेकर 99 तक में 189 डिजिट यानी कि 189 डिजिट का प्रयोग होगा, 1 से लेकर 999 तक में 2889 डिजिट का प्रयोग होगा। दोस्तों याद कैसे रखेंगे, अगर हमने 1 दिया तो बीच में 1 8 देंगे, 2 दिया तो 2 2 8 देंगे, 3 देंगे तो 3 2 8 देंगे, लास्ट में 9 देना, ऐसे हम जैसे ये हमको दोस्तों पूछ दें। तो अगर 4 देंगे तो 4 8 लास्ट में 9 देकर इस तरह हम इसको दोस्तों याद करते हैं। फिर दोस्तों मिलेंगे कल इससे आगे, ये दोस्तों आप इसको ध्यान रखिएगा और कल इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आएंगे। थैंक यू दोस्तों।